भाई लोग, ये जो वीडियो है ये पूरी क्रिकेट बेस्ड वीडियो है। मतलब जो लोग आईपीएल देखना चाहते हैं या इंडिया का मैच देखना चाहते हैं स्टेडियम के अंदर बैठ के, तो भाई ये वीडियो पूरी देखो तो पता चलेगा कि क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना, नहीं तो बहुत ही तगड़ा नुकसान होगा। जैसे हम लोगों का नुकसान हुआ वैसे तुम्हारा भी हो सकता है, क्योंकि नॉलेज थी नहीं कि करना क्या है, वहाँ पर कैसे जाना है, एंट्री क्या होगी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। बस वीडियो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज़ विवान बैक विद अ न्यू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि सबको पता है कि हम लोग लखनऊ जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि किस काम से जा रहे हैं। तो सूरज बताएगा किस काम से जा रहे हैं। हम लोग लाइफ में पहली बार, हाँ लाइफ में पहली बार मैच देखने जा रहे हैं स्टेडियम में। पहली बार। कौन कौन आ रहा है वहाँ पे? वहाँ पे गौतम गंभीर नहीं खेल रहा यार, हम चेक किए हैं, कैप्टन है वो यार, नहीं खेल रहा। इरफान पठान हो गया, यूसुफ पठान, सेन वाटसन हाँ वाटसन है, रवि बोपारा है, समित पटेल है। हम तो रवि बोपारा की वजह से जा रहे हैं, देखो रवि बोपारा को हमको देखना है, इसलिए रवि बोपारा की वजह से हम जा रहे हैं मैच देखने। मैच तो गलती से देखने जा रहे हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने फेसबुक खोला तो वहाँ पे आ गया ये बुक माय शो कि बुक टिकट करें। मैं मज़े में टिक करता चला गया और टिकटें बुक हो गई। फिर ये दुख भरी कहानी सूरज को बताया मैं, तो इसने बोला मेरी भी टिकट बुक कर दो। तो ये दुख भरी कहानी नहीं भाई, बहुत अच्छी बात थी। फिर इसके बाद राजेश की हमने जानबूझ के टिकट बुक करवा दी। बोला जब हम लोग जाएंगे तो तुम भी जाओगे। राजेश को बीच स्टेडियम में किसी तरीका पहुँचा दे हम लोग। हाँ राजेश को बीच स्टेडियम में टीवी में चले आए, उठा के फेंक दे तो शायद टीवी में आ जाए। हम लोग जो भी लखनऊ जा रहे थे तो जो भी एक घंटे ट्रेन लेट होने के चक्कर में ये विवान को देखो, ये लेट रहा तो नींद आया। विवान टिकट लेके आ रहा है तो चलते हैं। तो लखनऊ पहुंच गए हम लोग, अभी जस्ट उतरे हैं यहाँ से, अब जा रहे हैं। कम से कम 7 बजे बारिश ना हो, है तो 7 बजे के बाद बारिश ना, उससे पहले हो जाए। हाँ उससे वही मतलब 7 बजे के लगभग बारिश ना हो, नहीं तो सब हम कोई तो आगे चलो सब में मजा आए।
जैसे ही पहुंचे यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है। अगर आज का मैच रद्द हुआ तो मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए वापस, पूरे के पूरे। तो भाई लोग हम लोग बस पकड़ लिए हैं, हर चौराहा पता नहीं पहली बार फाइनली हम लोग स्टेडियम पहुंचने वाले हैं। स्टेडियम नहीं पहुंचने वाले, अभी कम से कम 20 से 25 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। वो देखो वो असल में अभी तुरंत टीमें आई है ना, बस से आ रही थी, साथ में हम भी आ रहे थे। हम बगल वाले बस में थे, वो बगल वाले बस में थे, इस वजह से हम लोग को पीछे भगा दिया गया। कहा तुम लोग उधर से आओ, हम लोग इधर से जाते हैं, तो इस वजह से लेट हो रहा है। बाकी बस 10 मिनट और उसके बाद पहुँच जाएंगे। तो वो स्टेडियम दिख रहा बताए। तो भाई सामान जो आ रख के आए ना, उसकी प्रॉब्लम है। सामान अगर गायब हो गए तो दिक्कत ही दिक्कत है। हम छुपा दिए हैं, छुपाए एक नंबर है। कुछ भी कहो, झाड़ी में सामान छुपाए एक नंबर है। तो देखो छुपाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो है हम लोग, मैं अपना ट्राइपॉड ले गया था, सूरज अपना चार्जर ले गया था, ब्लूटूथ हेडफोन्स थे, गॉगल्स थे। तो वहाँ पर यह नियम है कि स्टेडियम के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिक्के तक नहीं ले जा सकते। और वहाँ पे कोई मतलब लॉकर वगैरह भी नहीं था कि जमा कर दे कहीं पे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जाके किसी को दे आओ, अगर जान पहचान का है तो, नहीं तो अगर गाड़ी से आओ तो अपनी गाड़ी में रख दो। लेकिन हम लोग रायबरेली से यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गए थे लखनऊ वहाँ पर मैच देखने के लिए। तो हम लोगों ने एक काम किया, वहीं पर झाड़ी थी, झाड़ी के किनारे छिपा दिया। था तो बहुत रिस्की, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए कहते हैं अगर तुम लोग जाते हो तो कुछ भी नहीं ले जाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन ले जाना और कुछ भी नहीं ले जाना, नहीं तो एंट्री नहीं होगी। तो बस वीडियो देखो आगे। तुम लोगों को जाना है रैंप नंबर 7, ये रैंप नंबर 8। राजेश का भगा भगा दे, राजेश का राजेश का भगा दे, भगा दे भाई का, भगा दे। चलो अभी लोग प्रैक्टिस कर रहे भाई, हमरे पहले, हमसे आज पहले। गौतम गंभीर आया नहीं आया? अरे पैसा पर रवि भोपारा आया, भोपारा दिख रहा भाई, सब दिख रहा हमको।
अभी कोई आशीष नेहरा आ गए अरे कोई दिख ही नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा इसे। वही तो यहाँ बॉल आएगी भाई, बॉल आएगी यहाँ पे, मत हो यहाँ बॉल आएगी। पीछे बैठे आगे का ले तो पीछे पहुँच चुके स्टेडियम पर, बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी में पहली बार मैच देखे, 9:08 बाद 22 और बचे हैं, उसके बाद तो टावर तोड़ बल्लेबाजी। सेकेंड इनिंग के लिए सारे प्लेयर फिर से मैच खेलने के लिए जाते हुए, तो सेकेंड इनिंग की दूसरी बॉल हो चुकी है, पहली बॉल पे है, दूसरी बॉल डॉट हो गई, मजा आ रहा। तो यहाँ दिल्ली कैपिटल का सॉरी, ये कौन सी टीम है यार, पीके का पहला विकेट गिरते हुए। फर्स्ट इनिंग इतनी धुएंधार थी, एक समय के लिए लग रहा था कि जैसे 250 रन बन जाएंगे, लेकिन फिर बीच में यूसुफ भाई आते हैं और दो विकेट धड़ाधड़ गिरा देते हैं एक ही ओवर में। रन तो मानो जैसे अकाल पड़ गया, 250 रन बनने वाले थे, 200 भी नहीं बने, ये सब यूसुफ मियाँ की कारामात है। यूसुफ मियाँ को बकरीद पे बकरा गिफ्ट करेंगे, ओके। और जो लोग यहाँ पे आके ये जो बड़ी स्क्रीन होती है इस पे दिखना चाहते हो ना, तो भाई भूल जाओ, बहुत कॉम्पिटिशन है यहाँ। यहाँ तुम अगले जन्म में आओगे जब लड़की बन के आओगे, तब लड़के बन के आओगे तो कभी नहीं आ पाओगे। तो भगवान से दुआ करो अगले जन्म में लड़की बनो, तभी तुम कैमरे में आओगे। ये 2 घंटे हो चुके, 3 घंटे हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं, पर आ ही नहीं पा रहे हैं। ये देखो भाई, आ गई। इसीलिए कहते हैं लड़की बनो लड़की, हाँ बच्ची भी बनो, बच्ची भी आओगे। लेकिन कभी भी लड़का नहीं बनना, या तो लड़की या तो बच्ची, लेकिन लड़का बनोगे ना तो बस ऐसे ही मुँह लटका के बैठे रहोगे हम लोगों की तरह। तो ये है हम लड़कों का दुख, बैठे हुए इतनी देर से सब सोच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाँ कि यार कैमरे में आएंगे, लेकिन कैमरा वाला इन पर कोई बस भाई किस बात की खुशी है। सो भी बॉलिंग करा रहा है प्रवीण तांबे, इसे मैंने 2 महीने पहले एक मूवी में देखा था, लिटरली आज मेरे सामने खेल रहा है। ओ विकेट बच गया भाई।
तो जो लोग प्रवीण तांबे के बारे में नहीं जानते वो जाके गूगल पे सर्च करें, प्रवीण तांबे के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है इसकी लाइफ के ऊपर कि कैसे ये क्रिकेट खेलता है। और आउट हो गया, फर्स्ट विकेट ऑफ प्रवीण तांबे। तो जाके तुम लोग जरूर देखो जाके प्रवीण तांबे की मूवी। तो बहवाला किंग जो भी टीम का नाम है वो आ चुकी है, 19 बॉल पे 90 रन चाहिए, 7 विकेट हो चुकी हैं, 8वीं विकेट हो गई। लोग जुबान है कि क्या है। मिलते 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 जाने का टाइम हो गया, लेकिन जूता पहन ले उससे पहले। भाई के नशे देखो भाई, 6000 की टिकट खरीदो तब ऐसे मिलने। देखो मजा तो आया मैच देखने पर, स्टार्टिंग में आया, लास्ट में कुछ मज़ा नहीं आया क्योंकि बाद में विकेट गिरती चली गई, धड़ाधड़ भाई पूरा काउंटर ही हटा दी, पूरा कचरा ही कचरा, सफाई होगी इसकी। भाई इतने बंदे थे यहाँ पे, यहीं पे राजेश को भगाया जा रहा था, बट अभी सब लोग चले गए कल। दिखाई से टीवी पे दिखाई से, हाँ बस चल रही का नहीं चल रही बस। वीडियो सही नहीं आ रही, आ रही ना, देख के कैसा लगा मैच देख के? अच्छा लगा, बट फर्स्ट इनिंग जो भी था इतना अच्छा लगा कि कुछ करें। दूसरा इनिंग में क्या करें, हम लोग नीचे बैठे थे, सट्टे से एकदम ऊपर चले गए। भैया ये तो रास्ता लेकिन नहीं जाने दे रही थी पब्लिक, जाए अब जाने दे रहा।